ओके जी, हमीद रहीमी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम। सर गुड इवनिंग. मैंने कुछ ही दिनों पहले ही 5-6 दिन भी नहीं हुए आपके वीडियोस वो जो प्लेलिस्ट है मैंने स्टार्ट किया था. तो नॉर्मली मेरे कुछ क्वेश्चंस है सर, अगर आप रिप्लाई कीजिए उसके लिए. जिस तरह आपने सर बोला था कि व्हाट वी नीड फॉर ओपनिंग वो जो LLC थी, डोमेन था, AI नंबर था, बैंक अकाउंट एंड एड्रेस. द सेम मेरे कुछ रिश्तेदार है USA में, तो मैंने ये सारे उसको भेजा. तो उसने ऑलरेडी मुझे बोला कि आई हैव अ डोमेन, बट वेबसाइट क्रिएट नहीं हुई, तो वो बनाएंगे और LLC एंड सब थे. बट द थिंग इज के आज ही कुछ मिनटों पहले मैंने कुछ आपका एक और वीडियो देखा जो आपने उसमें बोला था कि जो कुछ अमेजोन के जो LLC वगैरह होती है वो यूज नहीं कर सकते. आई डोंट नो अबाउट देम कि वो LLC कौन सी थी, बट ये LLC के बारे में अगर आप थोड़े बोले कि क्या हम स्टार्टिंग यही से कर सकते हैं, फिर बाकी बाद में हम अपना ही बनाए. नहीं, वो ट्रकिंग से रिलेटेड उनके पास LLC पड़ी हुई है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग देखें, एक क्वेश्चन तो मैं आज यहाँ से क्लियर करता जाऊँ। अगर तो ट्रकिंग से रिलेटेड है, अगर तो वो अमेज़ॉन की है, तो वो अब नाम होगा फलाना मार्ट या इस तरह का, तो एक तो उसकी अमेजोन की आई डोंट थिंक, अमेजोन की आई डोंट थिंक वो होगा, वो उधर ही बेस्ड है. अगर तो ट्रैकिंग की है तो फिर तो आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं प्रेफरेंस हमेशा ये देता हूँ कि आपके पास अपनी चीज होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो भी है, रिश्तेदार हैं, सारा कुछ है, आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। मतलब आप जो भी मेहनत कर रहे हो, सारा कुछ उनके हाथ में है, आप पैसा भी उनको भेज रहे हो, सब कुछ उनको कर रहे हो, आपके अपने हाथ में तो नहीं है ना। तो वैसे अगर ट्रस्ट वर्दी है देन गो फॉर इट, और अगर ट्रैकिंग की है गो फॉर इट। लेकिन मतलब शुरू में ऐसा ही होता है। देखें, सब जिस जिसने भी पार्टनरशिप की, कभी धोखा खाया, जो भी हुआ, एट द एंड मसला कहाँ पर आता है? जब आप स्टेब्लिश हो चुके होते हो, जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। शुरू में कोई भी आपके साथ, चाहे रिश्तेदार हो, सके भाई कर जाते हैं इवन, तो इसलिए चीज आपकी अपनी होनी चाहिए, आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। जब आप अपनी LLC बनाते हैं, आपको अपना अकाउंट मिलता है, आपको अपनी चीजें होती हैं, आपके अपने हाथ में होता है। तो अभी आज मैंने किसी एक ग्रुप पे भी शेयर किया था कि वो, उसने यही कहा कि मेरे पास LLC नहीं थी, तो मैं किसी के अकाउंट में मंगवा रहा था, तो $800 उस बंदे ने दिए नहीं, तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मतलब बिल्कुल ही नहीं कर सकते। डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन के आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है और कितने ट्रस्ट वर्दी हैं, और ये सारी चीजें देख के आपको यानी कि डिसाइड करना चाहिए। बट सर अगर ट्रस्टवर्दी हो जो भी हो, बट क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं यही से, अगर उसके पास जो भी LLC वगैरह कुछ सारा हो, जी जी कर जो सकते हैं, अगर ट्रैकिंग की है और ट्रैकिंग की वेबसाइट वो बनाता है, करता है, तो फिर कर सकते हैं, यही चीजें चाहिए। अगर ट्रैकिंग के अलावा कि आई डोंट नो अबाउट अमेजोन, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है LLC के बारे में देखिए, उतना ज्यादा. दैट डिपेंड्स के वो, अगर इस तरह ना, हम ट्रैकिंग की जो LLCs बनाते हैं ना, जो डिस्पैच की बनाते हैं, उसमें लव्स डिस्पैच, डिस्पैचिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, ट्रैकिंग, ये कीवर्ड्स हम ऐड करते हैं। उसका क्या फायदा होता है कि जो ही हम कैरियर को अप्रोच करते हैं, वो चीज कनेक्ट हो रही होती है, ठीक है? यानी आपने अगर कोई सब्जी की दुकान ढूंढनी है, शॉप ढूंढनी है, तो आप सर्च करोगे ना किसी जगह पे, कोई भी केक की दुकान ढूंढनी है, कोई बेकरी लिखोगे, कोई केक लिखोगे, कोई उसका नाम लिखोगे। इसी तरीके से जब आप किसी को अपनी LLC की वो सेंड करते हो, तो अगर उस पर लिखा हुआ वॉलमार्ट और भेज रहे हो आप ट्रैकिंग के रिलेटेड, तो दैट वुड नॉट कनेक्ट विद यू। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब आप किस रहे। अब कुछ अमेजोन की LLCs ऐसी होती हैं जिसपे सॉल्यूशंस लिखा हुआ है लव साथ, तो वो कई दफा चल जाती हैं, कई दफा लोग चला लेते हैं। लेकिन अब जितनी भी ई कॉमर्स की या वो LLCs बनी होती हैं, उसके साथ रीसेलर सर्टिफिकेट मिलता है ना, यानी आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, और आपकी आपके उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी उसी हिसाब से लगता है, जबकि सर्विसेज का टैक्स डिफरेंट है। सर्विसेज में हम इनकम टैक्स नहीं देते, फेडरल टैक्स खाली देते हैं, तो ये भी डिफरेंस आता है। तो आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लीजिएगा अपनी, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप अलग से इस पे मुझसे, जो है ना, मेरा नंबर आपके पास होगा, तो हाँ सर, आप उस पे मुझसे ना डिस्कशन कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है? आप पहले उनसे कंफर्म कर लीजिएगा ना LLC किस चीज़ की है, ठीक है? ठीक है फिर मुझसे सर. डिस्कस करिएगा, मैं आपको फिर फर्दर मशवरा दे दूंगा इस पे। जी सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम, अदनान भाई, ऐसी बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा अदनान भाई, मुझे एक रिसेंटली अभी एक रीफर ट्रक वाला मिला, उसको फैक्टरिंग जो थी ना वो चाहिए थी, तो मैंने थोड़ी सी अप्रोच किया फैक्टरिंग कंपनियों को, तो उन्होंने मुझे एक रेफरेंस पार्टनरशिप जो होता है एग्रीमेंट वो भेजा। मैंने ये पूछना था आपसे, क्या ये हमें डिस्पैचर्स को करना चाहिए कंपनियों के साथ? बिल्कुल करना चाहिए भाई, कई कंपनियां तो $500 देती हैं आपको रेफर करने का। अच्छा ठीक, बस मैंने मेरा इतने से आपसे सवाल था। ठीक है, जरूर करना चाहिए। हमने खुद भी शुरू में एक कंपनी को रेफर किया था, हमें $500 मिले थे, मिलते 2 हफ्ते 2 महीने बाद हैं, हर कंपनी की डिफरेंट उन्होंने वो है। दो मुझे ऑप्शन दिए, $250 की या 10% पे, तो इनमें से कौन सा मैं वो 10% कंटिन्यूस वाला जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। हाँ है? फिर 10% वाला, RTS थी? नहीं, मुझे जो है फ्लीट वन वाले जो है ना, उन्होंने ऑफर किया अच्छा RTS। जितनी आप बात जितनी करें जितनी ग्रुप में जितनी एजेंट मिले उनका, जितनी जितनी घटिया कंपनी होगी ना उतने पैसे ज्यादा देगी आपको, तो आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि अपने कमीशन के लालच में जो है ना ट्रक वाले को लगवा दे। आपने कोशिश करनी है जितनी अच्छी कंपनी है ना, RTS होगी, बॉबटेल होगी, इनसे ज्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करना है। ई कैपिटल भी अच्छी है, वो भी अच्छे पैसे आपको दे रही होती है। जो जिसकी वर्थ जितनी कम होगी ना जिस कंपनी की, या जो अपना ये सिर्फ इसी पे चल रही होगी, वो आपको ऑफर ज्यादा कराएगी। अच्छा RTS अच्छी है उसके लिए। अच्छा RTS ये अच्छी है। मुझे मुझे मेरा एक फ्रेंड है, वो 2017 से जो है ना वो कर रहा है डिस्पैचिंग में, उससे रेफरेंस दिया था कि फ्लीट वन पे दो। ठीक है, मतलब अब इसका मुझे पता नहीं है इस कंपनी का, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर वैक्स रहा। कैपिटल भी बेसिकली इसका नाम दूसरा ये मशहूर है। मैं जनरल मशवरा दे रहा हूँ आपको कि ये देख लेना कि कंपनी ठीक होनी चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू अदनान भाई। ओके जी, मोहम्मद उमर अकबर। वालेकुम हेलो, सर, कैन यू हेयर मी? सर। जी, सर ये मैंने पूछना था कि ना, मैंने सेल्स में काम किया है 2 to 3 month, ठीक है। अब मैंने अपनी LLC बनवा लिया, ठीक है। हाँ मुझे ब्रोकर को डील करने नहीं आता, मीन्स कि मैं मुझे उस क्या डॉक्यूमेंट सेंड करने चाहिए या उससे किस तरह बात करनी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी अभी प्रीवियस वीक, जो आपने ब्रोकर की और एक वीडियो मॉक कॉल थी वो भेजी थी, बट मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं पता कि कौन कौन से उसको भेजने चाहिए, ताकि वो ये ना कह सके कि ना कि ये एशियन है तो मैं इसको लोड नहीं दूंगा। नहीं, इस वजह से लोड आपका वो नहीं कैंसिल करते आपके, मतलब ब्रोकर का एशियन नॉन एशियन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रोकर सिर्फ ये देखता है कि आप मतलब जिस ट्रक के लिए काम कर रहे हो लेजिट है कि नहीं, और इस तरह की छोटी मोटी चीजें देखता रहा होता है। थैंक यू सर। और डॉक्यूमेंट्स ब्रोकर को कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना होता, वो खुद मांगे अगर कैरियर के कोई डॉक्यूमेंट तो तब भेजने करने होते हैं, अदरवाइज वो सेटअप भेजता है, उस पर ऑलरेडी आप इन्फॉर्मेशन सारी सेट कर देते हैं। जी जी सर, ठीक है। और सर ये भी पूछना था कि जो कैरियर पैकेट होता है, मीन्स कि ये हमें खुद बनाना पड़ता है, जैसे वो हमें डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं W9COI, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब हमें ये भेजता सारे है। डॉक्यूमेंट्स को ही कैरियर पैकेट कहते हैं, और जो ब्रोकर के साथ आप कर रहे होते हैं उसको कैरियर सेटअप बोलते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, शाहिद अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैंने सलाम। पूछना था कि ये जो गूगल डायलर है, ये किस तरह परचेज करते हैं LLC की डिटेल्स के ऊपर सर? यार अभी मुझे ये नहीं पता कि गूगल डायलर गूगल वॉइस जो है वो LLC की यहाँ पे पाकिस्तानी कार्ड पे आप बाय कर सकते हैं कि नहीं। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तानी कार्ड से इस टाइम नहीं कर सकते, तो बाहर का ही कार्ड को चलेगा। नहीं तो नहीं सर, उस कार्ड तो बाहर का यूज़ कर लेंगे, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने आगे देखा था कि वो पहले वर्क स्पेस शायद परचेज करनी पड़ती है, उसके बाद उसका नंबर परचेज करते हैं, तो यार उसके ऊपर। ये इन्फॉर्मेशन मैंने क्योंकि खुद यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैं इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता आपको। ये काशिफ वगैरह है, इन्होंने यूज़ किया हुआ है, मतलब बना कर रहे हैं, तो उनसे आप एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, जो सेलर है ना उनमें से किसी एक से कंसल्ट कर लें, वो बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं अभी कोई गलत कह दूँ या गलत वो कर दूँ, तो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ उसको खुद भी। सर आप कौन सा डायलर प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए? यार अभी के लिहाज से जो मेरी नॉलेज है उसमें गूगल वॉइस ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन हम पर्सनली हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ओपन फोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ओपन फोन हमारा पुराना है तो वो चल रहा है, उसका भी कोई पता कोई नहीं है कब क्या हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग अभी इस टाइम जो यूज़ कर रहे हैं वो गूगल वॉइस ही प्रेफर कर रहे हैं, कि मतलब बाकियों में जूम भी लेके देखा है उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, दूसरा बाकी क्या कहते हैं रिंग सेंट्रल में भी इसी तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, ओपन फोन में भी इश्यूज़ आ रहे हैं,
तो कंपैरेटिवली गूगल वाइज अभी तक काफी बेहतर जा रहा है। जी ठीक है सर। अगर मैं कह रहा था कि आपने कहा कि आप यूज़ नहीं कर रहे, चलिए मैं बात कर लेता हूँ जो सेलर्स हैं ग्रुप में उनसे। शुक्रिया सर। ओके नसीब। अस्सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 मंथ से स्टार्ट किया है डिस्पैच LLC वगैरह रेडी करके, और काशी भाई लोगों से जो है ना वो कोर्स किया था। काशी भाई को तो आप जानते हैं ना? जी अच्छा, तो अदनान भाई सीन ये है, हमें ना स्टार्ट में बॉक्स ट्रक मिला और उसकी जो है ना वो MC न्यू थी, वो 1 मंथ ओल्ड कैरियर था। उसके लिए हम लोड्स ढूंढते रहे, लेकिन लोड बोर्ड हमारे पास एक ही था, हम ट्रक स्टॉप से कर रहे थे और उसके लिए लोड नहीं मिल पाया हमें। उसके बाद एक और बिल्कुल। कैरियर मिला सेम बॉक्स ट्रक, डीएटी क्यों नहीं यूज किया आपने? बॉक्स ट्रक डी ए का टी। ना, बॉक्स ट्रक का ट्रक स्टॉप से बहुत मुश्किल है कि मिले। जो ट्रक स्टॉप है वो ज्यादा बेहतर है फ्लैट बेड के लिए, कुछ केसेस में पावर ऑनली के लिए, और जो हॉट शॉट के लोड्स हैं वो अच्छे आ रहे होते हैं उस पे। लेकिन ड्राई वैन, बॉक्स ट्रक, रीफर, इनके लिए डीएटी है। और या अगर आपको कैरियर की ईमेल और अगर कैरियर का अकाउंट मिलता है तो फिर सिलेक्टर्स छोटे ट्रक्स के लिए बहुत बेहतर है। जी ठीक है। अदनान भाई, वो लोड ना मिलने की वजह से वो अब कैरियर हमारे साथ नहीं रहा। हम 4-5 दिन तो ढूंढते रहे और वो 4-5 दिन साथ रहा। नहीं आइडिया नहीं था नहीं कि नहीं डैड आपने आपको डीएटी यूज करना चाहिए। और डीएटी में भी वो मल्टी सर्च जी वाला जो होता है ना, DAT1 ट्रकर एज नहीं, DAT1 यूज करना है। जी DAT1 ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदनान भाई। ओके जी जावेद भाई। अच्छा सर, शुरू में बहुत लोग जो है इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और वो अपना बगैर LLC के या किसी के साथ मिलकर उसकी LLC के नाम पे वो लोड वगैरह बुक करते हैं या जो भी करते हैं, तो क्या ये कैरियर जो है ये पेमेंट डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक में भेज सकते हैं या फिर वाइस पर्सनल अगर बना लिया जाए तो उस पर भी पेमेंट कर देते हैं? अच्छा, इस पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है कैरियर के ऊपर। हमारे अब कुछ कैरियर्स हैं जो कि पाकिस्तान में डायरेक्ट पेमेंट भेजते हैं रेमिटली के थ्रू, ठीक है। इसी तरह की और ऐप हैं, टैप टैप के नाम से हैं, और बहुत सारी इस तरह की ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट पाकिस्तान में आपके कैरियर पैसे भेज सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसको पता हो कि आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान से बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं, तो तब वो भेज सकते हैं। वाइस पर्सनल में ये होता है, नुकसान होता है कि अगर तो वो अपनी कंपनी अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में भेज रहे हैं ना, तो फिर वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं और आपके उसमें पैसे फंस सकते हैं। और बिजनेस अकाउंट का ये फायदा होता है कि LLC की बेस पे अगर बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो उसके ब्लॉक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसमें वो हर तरह की पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। ये डिफरेंस है। तो बाकी पैसे तो वो, अगर वो भेजने वाला हो तो आपके पेओनियर अकाउंट में भी भेज सकता है, वो तो उसे वो फर्क नहीं पड़ता है। वो डिपेंड करता है कैरियर के ऊपर, कैरियर किस पे राजी है। अक्सर आपके अब हमारे पास ना खुद 3-4 अकाउंट्स हैं, पेपाल का भी है, जेल का भी है, और इसके अलावा वाइज वाला भी है। वाइज तो अब खैर काफ़ी अर्सा हो गया यूज़ नहीं किया। तो कैरियर फिर भी 3-4 अकाउंट्स होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दफा नखरे करते हैं, नहीं कहते हैं मुझे वो कैश ऐप ही चाहिए या मुझे फलाना ही चाहिए अकाउंट। मुझे मतलब एक कैरियर है वो कहता है नहीं मैं फिजिकली आपको चेक भेजूंगा उसे। हमें फिर इसलिए वहाँ पे वो रखना पड़ा, अपना ऑफिस बनाना करना पड़ा, कि अब एक कैरियर है वो अच्छा पे कर रहा है, रीफर था, वो अड़ गया जिद पे, उसने कहा नहीं मैंने चेक ही भेजना है। तो ये जो जो आप ग्रो करेंगे आपको मेथड खुद ब खुद भी समझ आते रहेंगे। और ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है आपके ट्रक वालों पे, सब कुछ होते हुए बाज़ अवकात किसी न किसी जगह वो अड़ी लगा ही देता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मैं इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं ई-कॉमर्स में ही था, ये अमेजोन वगैरह में वर्चुअल असिस्टेंट था। तो इस फील्ड के बारे में पता चला जिसके जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी, तो मेरे कुछ रिलेटिव भी है US में जो ये ट्रकिंग के ड्राइवर्स ऑनर ऑपरेटर है।
तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा ये कोर्स वगैरह भी कर लिया सब कुछ, ताकि सारे टर्मिनोलॉजीज भी याद कर ली, ट्रकिंग ट्रक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हो वो सब कुछ भी। अभी आप मुझे आगे क्यों ओपिनियन देते हैं? सेल्स में अगर मैं एक्सपीरियंस करता हूँ किसी के साथ रिमोट कर लूँ, यानी कि फिजिकल यार कोई एक एक कंसेप्ट बड़ा ऑब्जेक्ट। क्लियरली आपको मैं बताता चलूं, जी सर, अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करना है ना, तो रिमोट से जी कोई सर, एक्सपीरियंस नहीं होना। या तो राइट फिर सर, किसी के पास फिजिकली जाके जॉब करें तब एक्सपीरियंस होना है, ठीक है, या तो जी सर, इंटर्नशिप करें या कोर्स करें, जो भी आपने करना है फिजिकली जाके करेंगे तो उस चीज का आपको फायदा डिफरेंट हो जाना है। अगर आप रिमोट जॉब ही करनी है तो फिर आप अपने लिए क्यों काम नहीं करते? प्रैक्टिस जी सर, उतनी बिल्कुल, होनी है आपकी अकेले बैठ के। और दूसरा ये है कि मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास 3 महीने का बैकअप मौजूद है बस फिर अपना काम करें, अगर आप जो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो। सही सर। तो और सर बाकी इसके जब आप अलावा, इस काम में करते हैं ना, देखें आप थोड़ा सा जी हमारे सर, साथ कंपेयर करें। हम लोगों ने जब काम स्टार्ट किया था कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, जितने मसले आए खुद ही सॉल्व किए। अभी तो आप लोगों के पास बड़ा मतलब मार्जिन है यार, लोग तो अभी ऐसे ऐसे मेंटोर भी हैं जो कि हमारे ग्रुप में भी हैं जो कि ऑनलाइन आके आपको क्लियर कर रहे होते हैं आपके क्वेश्चंस, मतलब आपको एनी डेस्क के थ्रू अपनी स्क्रीन शेयर कर करके सारे मसले बता रहे होते हैं। तो अभी तो मेरे ख्याल है कि जो बंदा कहता है कि मुझे मतलब डर है इस फील्ड को स्टार्ट करने में, मुझे थोड़ा सा ये मसला आ रहा है, तो वो मसला आ रहा है, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो खुद है। कि इस टाइम तो मतलब जितनी हम लोग आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जितना हमारे ग्रुप से आप लोगों की हेल्प हो रही है, तो इस टाइम तो एक हलवा बन चुका हुआ है कि मतलब नॉलेज को लेना या बिल्कुल, उस चीज नो को डाउट, स्टार्ट करना, ठीक है। तो जी मतलब सर, किसी जगह आपको मसला आ रहा होता है, देन एंड देयर आपकी हेल्प हो रही होती है, और उसके लिए कोई आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रहा होता, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग हेल्प करने को रेडी हैं। जी सर। सर इसके अलावा एक्चुअली मैं फिजिकली इसलिए मेरे मुझे अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर पिशावर में रहता हूँ, पिशावर में इस तरह की कुछ कंपनीज है भी नहीं, तो इस तरह यार इस्लामाबाद देखो या जब लाहौर। करना होता है ना तो निकलना करना पड़ता है फिर काम के लिए। मैं खुद भी जो है ना, मैं जी इस्लामाबाद से सर, था, लाहौर में आज बैठा हूँ, तो निकला हूँ तो कुछ बना है, जी उधर ही बैठा रहता, करता रहता, देखता कोई नहीं है तो सर, बस फिर बैठा ही रहता। तो बाज जी बात सर, आप लोग थोड़ा बिल्कुल, सा वो कहते हैं ना, वो हिजरत में बरकत है, तो बरकत में बरकत है, सॉरी, तो हिजरत हरकत ये थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल सर, राइट तो इतना इस सर, तकरीबन इतना होना है। पेशावर से इस्लामाबाद कितना दूर है मड़ा? 3 घंटों का। हाँ तो चले जाओ, क्या 2-3 घंटे कहाँ लगते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे में पहुंच जाता है बंदा आजकल मोटरवे से। हाँ जी सर, बिल्कुल, हाँ ये भी ठीक आपने कहा। तो थोड़ा सा सर इसके अलावा और कुछ ओपिनियंस मेरे लिए कि इसके अलावा मैं कौन सा सबसे बेस्ट ड्राइवर अपने लिए अभी खरीद रहा हूँ? तो मेरे जहन में तो एक ए फू नहीं था, उसके लिए मैं स्काइप वगैरह भी डाउनलोड कर चुका हूँ यार, इस तरह मैं की। मेरे से अगर आप पूछें, देखें अगर तो आपकी मजबूरी है, फाइनेंशियल मजबूरी है, बिल्कुल ही फाइनेंशियली क्रब हुए हुए हैं, फिर तो स्काइप और एफोन वाले फार्मूले पे जाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा जी सा भी सर, अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो मैं राइट इसको स्काइप और इस मेथड को पसंद नहीं करता। आप सर, उसमें फिर जो है ना, बेहतर ये है कि प्रॉपर डायलर लें और उसके मुताबिक ही चलें। ये सारे ना मतलब ठीक है, चला रहे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं इस पे, लेकिन अल्टीमेटली है जुगाड़ सिस्टम ही, प्रॉपर डायलर प्रॉपर ही होता है। सही सही सही। तो दैट डिपेंड्स अपॉन आप योर पॉकेट के भाई, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तब, वरना नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं ये नहीं कहता कि उस पर खर्चे करें। प्रॉपर डायलर सर, आप कौन सा प्रेफर करते हैं जो सबसे बेस्ट हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इधर के आप करें उसको, वो गूगल वाइस आज की डेट में अच्छा जा रहा है। राइट सर, सर एक्चुअली पूछ मेरा सवाल ये था मेरा कि इस तरह के कुछ और ओपिनियंस आप जो देना चाहेंगे मुझे, जिसकी वजह से मैं स्पीड में आगे और भी सक्सेसफुल हो जाऊं। यार देखें आपकी नॉलेज पूरा होना चाहिए, 3 महीने का आपके जी पास सर, बैकअप होना चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो जंप करें, थोड़ा टाइम लगेगा और आपको खुद ब खुद कन्विंस करना भी आ जाएगा सब कुछ। ये तो ऐसा बिजनेस है, ये खुद ब खुद आपको सिखाता है। आज आप एक सही गलती सर, करते हैं, वो कैरियर वाला आगे से थोड़ा सा बुलशिट कर रहा होता है, आपको समझ आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे क्या कर, ठीक है। इस पे आप गलतियां मतलब करते हैं, कॉमन है, ट्रक शुरू में जाते भी हैं, लेकिन ये ऐसी फील्ड है ना, ये खुद ब खुद आपको सिखा रही होती है। इस टाइम मतलब वही है, पानी में उतरोगे तो तैरना आएगा, बाहर से बैठ के जितनी मर्जी वीडियोस देख लो स्विमिंग नहीं आने लगी। बिल्कुल सर, इसी तरह
जी अदनान भाई, नेक्स्ट। मेरा एक क्वेश्चन हो रहा जी, कि आजकल सेल्स में हमें कौन सी एमसीएस को ज्यादा टच करना चाहिए, न्यू एमसीएस को या ओल्ड को, और एमसीएस कहाँ से ज्यादातर सेफर से ही लें, या जैसे वो पार्टनर कैरियर साइट्स हैं वहां से भी उठाएं? यार देखें, अगर तो आपकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, फिर तो करियर सोर्स डॉट आई ओ या करियर पार्टनर वगैरह से आप लें, उस हिसाब से कन्विंस आप कर रहे होते हैं। अदरवाइज जो न्यूबीज हैं और जिनकी कम्युनिकेशन बहुत उस तरह की स्ट्रांग नहीं है, देन गो फॉर द सेफर एंड कोशिश करें कि न्यू एमसी ना हो, पुरानी एमसी से चलें। मैंने वो तरीका सिखाया हुआ है कि एमसी अथॉरिटी की हिस्ट्री चेक करने का क्या तरीका है, एक वीडियो पूरी इस पर बनाई हुई है। थोड़ा वो ये नहीं कि हर एक एमसी को उस प्रोसीजर से निकाल करके चेक करते रहें, वो टाइम वेस्टिंग है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये देख लें कि इंस्पेक्शन हुई हो, 6 मंथ पुराना उसका जो वो फॉर्म होता है वो उस पे सेफर के फर्स्ट पेज पे ही आ रहा होता है, स्नैपशॉट वाले पे ही, तो वो देख लें, तो उसके मुताबिक बस आगे चलते रहें। और अब मैं क्योंकि कोई सीरीज बोलूंगा ना, तो इधर अब 53 बने हैं, वो सारे के सारे उसी सीरीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे। रैंडमली डायल करें अपनी मर्जी से, बस कोई सीरीज शुरू कर दें, फिर जिधर देखें यार इस सीरीज से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, शिफ्ट करते जाएं। हम लोग नॉर्मली ये करते थे कि 4-5 दिन एक सीरीज पे लगाते थे और फिर वो टोटली चेंज कर देते थे। और मैं तो ये सच्ची बात बताऊं, मैं जब खुद बैठता था मैं तो ये एमी बस कोई भी एमसीआई सामने डायल कर दी, फिर उसको सीक्वेंस वाइज चलाना शुरू कर दिया, फिर देखा इसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, फिर कोई अकड़ बकड़ किया और नई एमसी चला दी, और इस तरीके से कर करा के करते रहे। तो यही है, बस तुक्के मारते रहे, कराते रहे डिफरेंट एमसीज को। और इतनान भाई, जो हम प्रमोशनल टेक्स्ट भेजते हैं, जैसे गूगल वॉइस पे हम मैसेज भी भेज सकते हैं नंबर्स पे, प्रमोशनल तो मैसेजेस हम किसी उस पे नहीं भेज सकते, यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि प्रमोशनल मैसेज भेजते जाएंगे ब्लॉक होगा किसी भी डायलर पे। मतलब हमें ना मेल्स पे करना चाहिए थोड़ा बहुत, या मैसेजेस ईमेल पे आप के? कर सकते हैं, लेकिन ईमेल उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि पढ़े। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर कैरियर को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद जब अगर उससे बात बन रही होती है तब भी, और अगर वो कहता है नहीं 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 हम उसे फिर सिर्फ इतना कहते हैं यार अपनी ईमेल दे दे, हम तुम्हें कंपनी प्रपोजल भेजते हैं, नहीं वी आर नॉट फोर्सिंग यू कि हमारे साथ तू काम कर ही कर, सिर्फ एक दफा प्रपोजल पढ़ हाँ लेंगे, अगर तुझे समझ में आता है तो चल, ही नहीं आता तो ना चलना। तो वो कंपनी प्रपोजल थोड़ा सा अच्छा बनाया होता है भेजते करते हैं अक्सर इस तरह वाले, खुद ही बीच में मतलब या अभी इस जुमे की बात है कि एक हमें वो रिसीव हुआ बंदे का जवाब, उसको हमने 3 महीने पहले अपनी भेजी हुई थी ईमेल भेजी थी, कंपनी प्रपोजल भेजा हुआ था, उसको कहीं से पता नहीं क्लिक कर गया क्या हुआ, उसने अपना कहा कि मुझे मतलब करें मेरे साथ काम, तो आपका काम है जी भेज देना, लेकिन इस तरह नहीं प्रमोशनल वाले स्टाइल में नहीं, लेकिन बातचीत करके। कोल्ड कॉलिंग का यही फायदा है ना कि कोल्ड कॉलिंग में आपको ये एडवांटेज है कि आपको देन एंड देयर रिजल्ट पता लग रहा होता है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये रिटर्न में किसी ने पूछा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोड बोर्ड डीएटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं? नहीं बच्चे, मैं नहीं प्रोवाइड करता, मैं मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो एलएलसी की सर्विस होती है, बाकी सर्विसेज मैं नहीं प्रोवाइड करता।